बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू योर अलाइड स्कूल यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, वी विल लर्न यूनिट नंबर 6, द नेम ऑफ दिस यूनिट फैक्टराइजेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट, लर्निंग आउटकम After watching this lesson, you will be able to apply basic formulas to solve the question. Basic formulas kya hain? A minus b whole ka square is equal to a minus b into a plus b. Dusra hai, a minus b whole ka power cube is equal to a ki power 3 minus 3ab into a minus b ki power 3. लास्ट है a प्लस बी होल की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की पावर 3। एक्सरसाइज 6.6 फैक्टोराइज। क्वेश्चन नंबर 1 है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, ये सारा सेम टू सेम राइट हैंड साइड जैसा है, तो हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, एक बार प्लस राइट करते हैं एक बार माइनस, a प्लस बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 2 है a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू a फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड 3b, 3 × 2 = 6 बन जाएगा, प्लस 9 को कैसे लिख सकते हैं 3b होल का स्क्वायर, और 16 को कैसे लिख सकते हैं 4c होल का स्क्वायर। अब देखें, ये सब फार्मूला बन गया a प्लस 3b होल का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखें, एक बार प्लस राइट करते हैं एक बार माइनस, माइनस सी इंटू ए प्लस 3b प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखें, इसको कैसे लिख सकते हैं x होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स फर्स्ट टर्म में 2y आ जाएगा, 2 × 2 = 4 बन जाता है, और 2y का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई होल का स्क्वायर। अब देखें, ये पूरा एक फार्मूला बन गया है x, अब देखें 2 के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव, माइनस 2y होल का स्क्वायर माइनस 3xy होल का स्क्वायर। अब देखें, दरमियान में नेगेटिव है, दोनों का स्क्वायर है, तो एक बार प्लस राइट करते हैं x माइनस 2y प्लस 3xy, और एक बार नेगेटिव x माइनस 2y माइनस 3xy, ये आंसर है। एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्यूब फाइंड करना है x प्लस 4, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी की पावर 3। अब यहाँ पे हमने क्योंकि क्यूब लेना है तो x प्लस 4 होल का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे a की जगह आ गया है x और b की जगह 4,
तो सबसे पहले एक्स की पावर 3 प्लस 3 फार्मूले वाला इनटू ए की जगह यहाँ पे एक्स है तो एक्स है आएगा, यहाँ पे बी की जगह 4 आया तो 4 इनटू एक्स प्लस 4 प्लस 4 की पावर 3। एक्स की पावर 3 प्लस 4 थ्री ज़ा 12 एक्स इनटू एक्स प्लस 4 प्लस 4 की पावर 3 किसके इक्वल होगा 64 के। एक्स की पावर 3 प्लस 12 एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 फोर ज़ा 48 एक्स प्लस 64 ये आंसर है। इसी का पार्ट नंबर 3 से देखते हैं हम ए माइनस 2b, इसका हमने क्यू फाइंड करना है सेम एज इट इज ए की पावर 3। अब देखें यहाँ माइनस है तो प्लस की जगह सारी जगह माइनस आ जाएगा ए इंटू 2b इंटू ए माइनस 2b माइनस 2b की पावर होल का क्यूब। ए की पावर 3 माइनस 3 टू ज़ा 6 ab इंटू ए माइनस 2b माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 b की पावर 3। अब a की पावर 3 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 ए स्क्वेयर b आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 6 टू ज़ा 12 ए बी स्क्वेयर माइनस 8 बी की पावर 3 ये आंसर है। पार्ट नंबर 10 7 प्लस 2b 7 प्लस 2b का क्यूब, 7 का क्यूब फार्मूला लगा रहे हैं 3 इंटू ए इंटू 2b इंटू 7 प्लस 2b प्लस 2b होल की पावर 3। 7 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 343 आ जाएगा, 7 थ्री ज़ा 21 इंटू 2b इंटू 7 प्लस 2b प्लस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8b की पावर 3। 343 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, बी 7 एज इट इज प्लस 2 7 प्लस 2b प्लस 8b की पावर 3। 343 प्लस 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 बी 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84b आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 8b की पावर 3 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। अब x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमें क्या दी गई है 8 क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड x प्लस 1 ओवर x होल की पावर 3 इज इक्वल टू 8 की पावर 3। x की पावर 3 प्लस 3 फार्मूले वाला इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 8 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। x की पावर 3 प्लस 3, अब देखें x x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 8 के इक्वल है प्लस 1 ओवर x की पावर 3 इज इक्वल टू 512। x की पावर 3 प्लस 8 थ्री ज़ार 24 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 इज इक्वल टू 512। x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 इज इक्वल टू 512। 24 इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, 512 में से 24 नेगेटिव करेंगे तो आंसर आ जाएगा 488 ये आंसर है।
क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर थ्री माइनस वन ओवर एक्स की पावर थ्री। हमें एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू दी गई है थ्री है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब लेते हैं, एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल की पावर थ्री इज इक्वल टू थ्री की पावर थ्री। अब इसे ओपन करते हैं, एक्स थ्री माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स की पावर थ्री इज इक्वल टू थ्री, थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन। एक्स की पावर थ्री, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स की पावर थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन। एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री, एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है थ्री है, माइनस वन ओवर एक्स की पावर थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन। एक्स की पावर थ्री, थ्री थ्री ज़ार नाइन, माइनस वन ओवर एक्स की पावर थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन। एक्स की पावर थ्री माइनस वन ओवर एक्स की पावर थ्री, अब नाइन इधर नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ट्वेंटी सेवन में नाइन ऐड करेंगे थर्टी सिक्स, यही हमने फाइंड करना था, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। फर्स्ट पार्ट है थर्टीन। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, एक है ए प्लस बी होल की पावर थ्री, एक है ए माइनस बी होल की पावर थ्री। क्यूबिक फार्मूला यूज़ करना है हमने। अब देखें दोनों में से कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें हम 10 प्लस 3 राइट करें, से 10 प्लस 3 13 बनता है, तो हम प्लस वाला राइट कर सकते हैं, ए की पावर 3 प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी की पावर 3। अब देखें 10 प्लस 3 होल का क्यूब हमने फाइंड करना है। अब 10 की पावर 3 प्लस थ्री फार्मूले वाला इंटू टेन इंटू थ्री इंटू टेन प्लस थ्री प्लस थ्री की पावर थ्री। टेन को आपस में थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे तो थाउजेंड आएगा, टेन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी आएगा, थ्री एज इट इज़ टेन को थ्री में ऐड करेंगे थर्टीन प्लस थर्टीन की पावर थ्री। थाउजेंड प्लस थर्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन्टी इंटू थर्टीन प्लस थ्री को थ्री बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन। थाउजेंड प्लस नाइन्टी को थर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वन हंड्रेड, वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी प्लस ट्वेंटी सेवन। अब थाउजेंड को ऐड करेंगे वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी में और उसमें ऐड करेंगे ट्वेंटी सेवन, तो ये टोटल बनेगा टू थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी सेवन, ये आंसर है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.6 और 6.7। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।